दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई थी, सारे धुरंधर लगा दिए गए थे। किसी भी तरह आम आदमी पार्टी की संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बाउंड्री क्रॉस न कर पाए, मगर केजरीवाल का किला इतना मजबूत निकला कि कोई ढहा ही नहीं पाया। जबकि इसको ढहाने के लिए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतरे थे। बाजी हाथ से निकलते देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैलियां करने पहुंचे। दिल्ली की जनता पर हिंदुत्व का जादू चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया। बिरयानी, आतंकवाद और हिंदुत्व के बढ़िया बढ़िया जबानी तीर चलाए गए, मगर कोई घायल नहीं हुआ। जब बात और बढ़ी तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच गए, हरियाणा के सीएम भी पहुंचे, मगर दिल्ली की जनता काबू में नहीं आ रही थी। फिर क्या था, बीजेपी ने अपने 240 सांसद दिल्ली में उतार दिए, जैसे देश ने उनको दिल्ली का चुनाव लड़ने और जिताकर भेजने के लिए ही संसद भेजा था। खैर, सब दिल्ली में रहे, मगर फिर भी बीजेपी की नैया को मझधार से नहीं निकाल सके। हिंदुत्व की राजनीति दिल्ली में क्यों ढेर हो गई, जब इस सवाल का जवाब तलाशते हैं तो बीजेपी की हार के तीन विलेन सामने उभर कर आते हैं। इन्हें हार का विलेन कहिए या फिर 8 विधायक जीतने का हीरो, लेकिन ये वो तीन शख्स हैं जिनकी वजह से बीजेपी की राजनीति दिल्ली में घूम गई और चुनाव आयोग को इन पर बैन लगाना पड़ा। आखिर उन्होंने ऐसा क्या बोला कि दिल्ली की जनता को रास नहीं आया। सबसे पहले कपिल मिश्रा। आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाले कपिल मिश्रा ने चुनाव से ऐन वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अरविंद केजरीवाल को कोसने का इनाम इन्हें मिला और भाजपा से टिकट मिल गया। लेकिन चुनावी कैंपेन में कपिल मिश्रा लगातार अपने भड़काऊ ट्वीट भाषणों को लेकर चर्चा में रहे। दिल्ली में मॉडल टाउन सीट से चुनाव लड़ने वाले कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में शाहीन बाग की तुलना मिनी पाकिस्तान से की। 8 फरवरी को होने वाले चुनाव को भारत वर्सेस पाकिस्तान का नाम देकर ट्वीट कर दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया, मगर जिंदगी कपिल मिश्रा ने अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया। इसका खामियाजा पहले ये भुगता कि चुनाव आयोग ने प्रचार करने पर 48 घंटे की पाबंदी लगा दी, यानी चुनावी मैदान से 48 घंटे के लिए अंडरग्राउंड कर दिए गए। फिर क्या था, दिल्ली की जनता ने इतने वोट नहीं दिए कि वो फिर से विधायक बन सकें। कपिल मिश्रा को 41,532 वोट मिले, जबकि उनको हराने वाले आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट अखिलेश प्रति त्रिपाठी को 52,665 वोट। अब भले ही कपिल मिश्रा ने भारत वर्सेस पाकिस्तान कहा हो, लेकिन दिल्ली के टूर्नामेंट में केजरीवाल मैन ऑफ द सीरीज बन गए हैं। तीसरी बार सीएम की कुर्सी उनके हाथ लगी। दूसरे नेता इनकी वजह से शाहीन बाग पर बहस हुई, टीवी डिबेट हुई, क्योंकि इनके स्टेज के भाषण के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में दो युवा गोली चलाने पहुंच गए। आरोप इन पर ही लगे कि इनके भड़काऊ भाषण का असर है। टीवी डिबेट में बैठे लोगों ने खूब आरोप लगाए, राजनीति हुई। ये नेता है बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर। ठाकुर की रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में अनुराग ठाकुर मंच से नारे बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं देश के गद्दारों को। इसके बाद मंच के नीचे मौजूद लोग कहते हैं गोली मारो। इस भड़काऊ भाषण का असर ये हुआ कि अनुराग ठाकुर पर भी चुनावी प्रचार करने से 72 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि ये दूसरी बार था जब चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी बैकफुट पर गई। अब बात तीसरे नेता की। इनका नाम है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। तीनों नेताओं में शायद कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज़्यादा भड़काऊ और नफरत वाला भाषण देता है। विकासपुरी में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ प्रवेश वर्मा ने कहा, यह केवल एकमात्र चुनाव नहीं है, यह देश की एकता पर फैसला करने का चुनाव है। अगर बीजेपी 11 फरवरी को सत्ता में आती है तो आपको एक घंटे के भीतर शाहीन बाग में एक भी प्रदर्शनकारी नजर नहीं आएगा, और एक महीने के भीतर सरकारी जमीन पर बनी एक भी मस्जिद को हम नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, यहाँ शाहीन बाग में लाखों लोग जमा होते हैं, दिल्ली के लोगों को सोचना होगा और फैसला करना होगा कि वे आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, उन्हें कत्ल कर देंगे। आज ही वक्त है, कल मोदी जी और अमित शाह आपको बचाने नहीं आ पाएंगे। इतना भड़काऊ भाषण था कि चुनाव आयोग को इन पर 96 घंटे का बैन लगाना पड़ा। बैन खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और सीएम अरविंद केजरीवाल को आतंकी बता डाला। एक प्ले कार्ड भी दिखाया था जिस पर लिखा था आतंक का दूसरा नाम केजरीवाल। इस हरकत के लिए दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को अगले 24 घंटे तक प्रचार करने से रोक दिया था। ये चौथी बार था जब बीजेपी को भड़काऊ प्रचार करने की सजा मिली। अगर दिल्ली चुनाव के नतीजे किसी सांसद के प्रदर्शन का पैमाना है तो बीजेपी के विवादास्पद सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली चुनाव में 0 हासिल किया है, क्योंकि उनके पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 10 सीटों में से बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती। यही वो तीन नेता हैं जिनके दम पर बीजेपी ने अपनी पूरी राजनीति शाहीन बाग पर केंद्रित कर दी। अमित शाह भी कहने लगे कि इतनी जोर से बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग को लगे। शायद बीजेपी ने इतना कड़ा रुख न दिखाया होता तो दिल्ली के नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। हेट स्पीच लोगों पर असर नहीं कर पाई, बल्कि शायद लोग हेट स्पीच से खफा हो गए। बीजेपी शाहीन बाग करती रही,
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी स्कूल अस्पताल शिक्षा की बात करती रही। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कहा शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग है, तो केजरीवाल ने कहा गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त सबसे ताकतवर अमित शाह, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आती है, फिर शाहीन बाग खाली क्यों नहीं करवाते। शायद ये तर्क लोगों के जहन में बैठा कि शाहीन बाग पर अमित शाह सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और इसलिए दिल्ली की जनता ने शाहीन बाग को नजरअंदाज कर काम करने वाली राजनीति को चुन लिया, यानी स्कूल अस्पताल बिजली पानी को चुन लिया गया और नफरत वाली राजनीति को हरा दिया गया।